हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो हम आ गए हैं अंबाला और आज हम जाएंगे भी। हाँ, कल शाम को आ गए थे अंबाला से, सॉरी। हाँ हाँ, तो हम आ गए हैं अंबाला। कल शाम को आए थे अंबाला क्योंकि विशाल ने जाना था राजस्थान, अप डाउन करना है वैसे तो उन्होंने कहा कि चलो अंबाला ही जाना है, तो मैं आपको छोड़ देता हूँ, एक रात रह लो मम्मी के पास। तो मैं आ गई फिर, और आज शाम को चले भी जाएंगे क्योंकि अभी आदि की वेकेशन स्टार्ट नहीं हुई है, हॉलीडेज नहीं हुई है, तो जनवरी में आऊँगी कुछ दिनों के लिए। ये है मेरा आदि, और इसने कल आते ही मामू को कहा कि मुझे पटाखे दिलाओ। पटाखे तो मिले नहीं, फिर ये पहले के पटाखे पड़े थे तो उस गन में डालने वाले, फिर गन दिलाई इसको, फिर ठाठा कर रहा। हाँ, लगा हुआ है कल से ठाठा करने में, कान फोड़ने में हमारे। दिखाओ कितने पड़े हैं इसके अभी, दिखाओ। बाहर लेके चलो, हाथ में नहीं आएंगे। ओके, देखो खाली कर रहा हूँ मैं। दिखाओ, थोड़े से पड़े, अब देखो। दिखाओ, ये देखो, ये इसके 2 साल पुराने हैं, इसके पापा लेके आए थे इसके लिए। वो अभी तक चलते हैं ये, क्योंकि चलाए नहीं थे आपने, तो चलने ही थे अभी तक। भाई पुराने भी हो गए अब तक, छोटे से लेके बड़े तक चल रहे हैं। ये मम्मी ने फूल लगाए हुए हैं, इस बार ज्यादा नहीं लगे। पर ये देखो, ये भी लग गया, ये वाले एग्जैक्टली। अब ये भी लगेंगे, ये भी। फ्रेंड्स, अब इस साल का तो अंत होने वाला है, आज 24 दिसंबर है, बस अब ये ईयर तो खत्म हो जाएगा। और ये साल थोड़ा ठीक रहा, ज्यादा बेकार रहा, बहुत सारी चीजें हो गई। अब बार बार बताना ठीक नहीं लगता क्योंकि फिर मेरे रिश्तेदार वीडियो देखते हैं तो फिर इमोशनल हो जाएंगे, तो मैं ज़्यादा नहीं बता रही हूँ, आप लोगों को पता ही है। रिजल्ट भी पॉजिटिव नहीं आया, फिर एक मिस हैपनिंग भी हो गई थी, तो बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, तो मिक्स रहा है ये ईयर। खुशी के पल कम थे, दुख थोड़े ज़्यादा थे, पर चलो कोई बात नहीं। अब भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि नेक्स्ट ईयर अच्छा जाए, और अब दोबारा से अपनी एक कहते हैं ना डू लिस्ट और डू नॉट लिस्ट बनानी है कि क्या नहीं करना है, क्या करना है, तो ये अब अभी से तय करनी पड़ेगी ताकि नया साल और अच्छा जाए। जो भी कुछ भी नया काम जो भी स्टार्ट करूँ वो और उसमें सक्सेस मिले, तो सबसे पहले तो मेरी लिस्ट ये भी होगी कि आलसीपन छोड़ना होगा, थोड़ा पंचुअल होना पड़ेगा, कॉन्टीन्यूटी रखनी पड़ेगी, टाइम से उठना, जो कि मुझे सुबह जल्दी उठने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मैं कोशिश करूंगी कि अपना टाइम सेट करूं सुबह उठने का, रात को सोने का। थोड़ा पढ़ाई की वजह से भी रेगुलर नहीं हो पाती थी चीज़ें उठने का और सोने की, और अब जो भी काम करूंगी पूरी कॉन्टीन्यूटी के साथ करूंगी, मतलब डेली करनी है वो चीज़, चाहे वो मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करूँ, चाहे यूट्यूब पर हूँ, या फिर अपनी स्टडी दोबारा से स्टार्ट करूँ, वो कंटिन्यू रखनी है, मतलब एक दिन भी मिस नहीं करना, क्योंकि जब एक दिन मिस कर देते हैं ना तो हम काफ़ी पीछे चले जाते हैं। और आपको पता ही है कि कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना हो चाहे कोई भी काम हो, वो कंटिन्यूटी के साथ ही होता है, और अपना टाइम टेबल ऑनेस्टली फॉलो करना है। जो गलतियां इस साल हुई हैं या इससे पिछले साल हुई हैं वो अब नेक्स्ट ईयर में नहीं करनी है, पूरे डिसिप्लिन के साथ अपना टाइम टेबल सेट करना है। जो भी करूँगी अब पूरे डिसिप्लिन के साथ, पूरी कंटिन्यूटी के साथ करूँगी, बिल्कुल भी एक दिन भी मिस नहीं करूँगी किसी भी काम को, अगर करूँगी मैं या फिर यूट्यूब करूँगी या फिर किसी एग्ज़ाम्स की कुछ भी। तो अभी आप लोगों ने सीटेट के फॉर्म भी भरे होंगे जो 21 जनवरी से जिसके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, तो अपने अच्छे से तैयारी कर लीजिए क्योंकि सीटेट का पेपर पास होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आगे टीचिंग एग्ज़ाम्स में फिल कर पाओगे। तो अभी अच्छे से कर लो, अगर जिनका जो तो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनके लिए भी, और जो जिन्होंने पहले दे दिया उनके लिए भी है कि अब अच्छे से अपनी तैयारी कर लो, प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी होगी है, और मॉक टेस्ट ज़्यादा लगाइए और अपना सीटेट क्लियर कर लेना, उसके बाद अब नेक्स्ट ईयर और वैकेंसीज आएंगी तभी आप फिल कर पाओगे।
अदरवाइज अगर सीटेट नहीं होगा तो आप किसी भी टीचिंग एग्जाम में नहीं भर पाओगे फॉर्म। सीटेट बहुत जरूरी है, बहुत सारे एग्जाम्स आप सीटेट के पास होने के बाद ही भर सकते हो, नवोदय, केवीएस, आर्मी, डी ट्रिपल प्लस भी बहुत सारे हैं। नए साल को और बेहतर बनाने के लिए हमें पूरे डिसिप्लिन के साथ, पूरी मेहनत के साथ काम करना पड़ेगा, अपना रूटीन बनानी पड़ेगी, तब जाके हम कुछ अचीव कर पाएंगे। चलो फ्रेंड्स, मैं अब आदि को देख लेती हूँ, आदि क्या कर रहा है बाहर, और मम्मी और के पास बैठती हूँ, फिर शाम को तो चले जाना है। बस अब मैं पूरी स्ट्रिक्टली अपनी जो भी मैं अपना लिस्ट बना रही हूँ, लिस्ट तो नहीं बना रही, बस अपने माइंड में मैंने सेव कर लिया भी क्या क्या है। मेरा ही सबसे ज़्यादा बस यही है कि मुझे अब टाइम से उठना है, जल्दी सारे काम फटाफट करने हैं, नहीं तो लेट उठो, घर के सारे काम लेट उठते हैं और बाकी काम भी लेट ही होते हैं, फिर चाहे फिर वो स्टडी करने का हो, चाहे फिर यूट्यूब पे वीडियो बनाने का। तो बस सबसे बड़ा तो यही है कि मुझे टाइम से उठना है, जल्दी उठना है और कंटिन्यूटी रखनी है। कहते हैं ना, निरंतरता बहुत जरूरी होती है हर काम में। तो फ्रेंड्स, 7 बजने वाले हैं और मेरा आदि अपने पापा की वेट कर रहा है, अभी भी इसके पापा नहीं आए हैं और ये फोन कर करके अपने पापा को तंग कर रहा है, जल्दी आओ जल्दी आओ, है ना आदि, है ना? मैं नहीं कर रहा बात। वैसे कहता है कि मुझे काफी टाइम रहना नानी के घर, काफी दिन, और फिर थोड़ी देर में ही बोर हो जाता है ये। अब हम आदि को जा रहे हैं टॉयज दिलाने, पर शॉप बंद होगी होगी, पर हम रिस्क लेके जा रहे हैं। हाँ, मत्था मारने जा रहे हैं। भाई तुमने चप्पल यही डाल लिया? शूज पहने क्या? चलना औखा हो जाएगा ना, मार्केट में कैसे चलेगा? शूज पहन, शूज पा, चल चल चल, जल्दी 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 शूज डालो जल्दी। बैठ जा, पालता हूँ, पर बैठ जा, तू फोन पे बैठ जा, नहीं बैठ जा, छोटे से काका को बोले जो ना। कौन सा छोटा काका? आगे हैं भैया की शॉप पे, आदि यहाँ पे पटाखे लेने के लिए आया है, और इससे पहले हम लोग इसके टॉय खरीद चुके हैं। नहीं नहीं, फेस्टिवल्स के टाइम मार्केट कितनी सजी हुई होती है और कितनी प्यारी लगती है, घूमने में बहुत मजा आता है। ये हम अपने घर, अब बज गए हैं 11:15 बजे पहुंच गए थे पूरे, लेट हो गए क्योंकि आदि को लेके मार्केट में चले गए थे, वहां उसे कुछ पटाखे दिलाए, पटाखे मिले तो नहीं, भैया की शॉप से ले लिए थे, बीड़ी बम कहता है उसको, और एक चेस दिलाया उसको और एक बेबलेट, मतलब टॉय तो उसको लेना ही होता है जब अम्बाला जाना होता है। तो बस यही शॉपिंग की, और साथ में मैंने बेलपुरी खाई और एक क्या कहते हैं, मूंग के पकौड़े, लड्डू कहते हैं इसको, हमारे यहाँ तो मिलते ही नहीं है बेलपुरी वाले, तो वहाँ अम्बाला में जाके मैं खाती जरूर हूँ। बस अब सोने की तैयारी, और चलिए फिर ब्लॉग का एंड कर देती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।